अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मामा के घर से, और बीच में तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि थोड़ा सा बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, रूटीन बहुत ही आउट हुआ हुआ है, तो बस बच्चों के पेपर्स की तैयारी में ही मसरूफ़ हूँ। और रेसिपीज़ मैंने आप लोग के साथ शेयर करती रही हूँ बीच में, तो मैंने कहा आज आप लोग का व्लॉग शेयर करूँ। तो मामा के घर की तरफ, मम्मी की तरफ आई हुई थी क्योंकि सैटरडे आ गया था, तो मैंने कहा चलो मामा की तरफ चलते हैं। तो वहाँ मामा ने बिरयानी वगैरह मंगवाई हुई थी, तो हमने बिरयानी खाई रात को खाने में। फिर नेक्स्ट डे स्कूल, नेक्स्ट डे जो है संडे था, तो बस हमने सोचा कि क्यों ना नान सेक लिए थे मैंने खाने में, और घर में जो कीमा वगैरह होता है वो मैंने गरम कर लिया था, क्योंकि बच्चे प्रेफर करते हैं कि ना सुबह जो संडे का जो नाश्ता होता है ना वो थोड़ा सा ना इसी तरह को, या तो बेकरी आइटम्स हों या फिर जो घर में होता है या परांठे बन जाएँ या नान वगैरह। तो मेरी भी कोशिश ये होती है कि ना इस तरह का कोई खाना नाश्ता वगैरह बना दूँ ताकि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि सैटरडे को मशीन नहीं लगा सकी थी, तो संडे को मुझे मशीन लगानी थी, बहुत काम थे, तो बस मैंने जो है ना ये कर लिया था। साथ ही मेरी बेटी को जो है ना वो ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं कैंगरू वगैरह के, जो इसमें मैथ्स कॉन्टेस्ट होता है, तो उसका जो है उनको सर्टिफिकेट मिला था, तो मैंने कहा आप लोग से शेयर करूं। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इनकी ना रैंक आया उसमें, तो इट्स गुड फॉर हर कि उनकी अच्छी इम्प्रूवमेंट है मैथ्स की, क्योंकि ज़रूरी होता है कि मैथ्स आपको ना जितना अच्छा समझ में आए तो उतनी अच्छी प्रिपरेशन और अच्छा आप लोग के एग्ज़ाम में काम आता है। तो ये है, और दोपहर में काम बहुत ज़्यादा था तो इसलिए मैंने कुछ बनाया नहीं। मैंने कहा बन कबाब वगैरह मेरे हस्बैंड ले आए थे दोपहर में, तो साथ ही पुरानी या ताज़ा की उसके साथ स्लिम्स वगैरह थे, तो कभी स्कूल टाइम में ही होता था कि बन कबाब के साथ स्लिम्स खाए जाते थे, तो बस मुझे वो याद आ गया। मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करूँ कि कोई आप जो वीडियोस देखता होगा उसने भी ज़रूर किया होगा कि बन कबाब के साथ स्लिम्स, और उस वक्त तो स्लिम्स की बात ही अलग होती थी, और इस दफ़ा की जो स्लिम्स हैं वो अब थोड़े से चेंज होते हैं लेकिन स्लिम्स अच्छे होते हैं। तो कभी आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बन कबाब के साथ स्लिम्स खाएं या सैंडविचेस के साथ स्लिम्स ट्राई कीजिए, या सिर्फ सिंपल स्लाइस के ऊपर भी आप बटर लगा के ना स्लिम्स के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार लगता है। तो बस ये बच्चे शाम में थोड़ा सा बैट बॉल वगैरह खेलने आ गए थे क्योंकि काफ़ी पढ़ाई की तरफ रुझान है, क्योंकि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, फाइनल टर्म्स हो रहे हैं, तो बस ये है। तो कुछ पेपर्स ही रह गए, तीन पेपर्स रह गए अब, तो बस ये कम्प्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर जो जून जुलाई की छुट्टियाँ आ जाएंगी, तो बस ये थोड़ा सा क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं आके खड़ी हो गई, तो इन्होंने शॉट वॉट मारना शुरू कर दिया, होता है ना माँ को दिखाने के लिए थोड़ा सा बच्चे ना काफ़ी शॉट मारना शुरू कर देते हैं, तो मैंने ये बोला मुझे लगी कि ना फिर मैं बताऊँगी आपको। खैर ये तो बच्चों को थोड़ा सा एहतियात करने के लिए कहा जाता है, लेकिन बच्चे हीं खेलते हैं, नीचे जाना भी अलाउ नहीं किया हुआ क्योंकि एक तो पेपर्स हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, और सब बच्चों के ही हो रहे हैं जो भी बिकिन वगैरह जा रहे हैं या सिटी जा रहे हैं, तो उनके एग्ज़ाम्स अभी ही हो रहे हैं। खैर उसके बाद जो है मैं थोड़ी सी खिड़की तरफ आ गई थी, थोड़ी देर बाद लाइट चली गई थी, तो बच्चे जो है ना अभी जब लाइट नहीं थी ना तो इस तरह से शेडो में ना इस तरह से कर रहे थे, तो मुझे अपना वक्त याद आ गया हम भी बचपन में यही काम करते थे। अब तो जनरेटर का दौर है तो जनरेटर ऑन होता है, लाइट आ जाती है, लेकिन पहले जब लाइट जाती थी तो इसी तरह से हम भी खेल रहे होते थे कि ना मोबाइल यूज़ नहीं होता था, और ये सब चीज़ें हम लोग भी कर रहे होते थे, बहुत मज़ा आता था, बहुत इन्जॉय करते थे बहन भाई मिलकर। तो आज इस दफ़ा मेरे बच्चों ने किया तो मुझे एकदम वो पुरानी बात याद आ गई, मैंने कहा कितना अच्छा हमने वक्त गुजारा है और बहुत मज़ा आता था एक दूसरे के साथ। अब तो मोबाइल और लैपटॉप और टैब वगैरह ने जो है ना ये सब ख़त्म ही कर दिया। खैर उसके बाद दिल चाह रहा था बच्चों का मीठा खाने का, और ख़ास तौर पे केक खाने का, तो अब किसी की बर्थडे तो आनी नहीं है, तो दिल चाह रहा था मामा केक खाने का, तो इनके पापा केक ले आए थे रात को। साथ ही फिर बच्चों को मैंने जो है ना मैकडोनल्ड मंगवा दिया था, क्योंकि इस पूरे दौरान जो है ना बच्चों को वीकेंड पे कहीं लेके भी नहीं जाए, क्योंकि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो बच्चों को बाहर का भी कुछ नहीं खिला रहे ताकि कुछ गले वले ख़राब ना हो जाए, अगर थोड़ा सा फास्ट फूड वगैरह इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं तो फिर वो मसला हो जाता है, गले आ जाते हैं, या टिक्का बारबेक्यू वगैरह खाते हैं तो थोड़ा सा पेट भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो बस मैंने इसलिए मैकडोनल्ड ही मंगवा दिया था। तो मैंने कहा आज जो है ना बच्चे घर में ही खा लो, फिर इंशाल्लाह जब पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आउटिंग के लिए बाहर चलेंगे। बस ये छोटा सा व्लॉग है, ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह।